हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आपका भी जो है दिमाग बार बार उसी टॉपिक के ऊपर जाता रहता है। बार बार में आप यही सोचते रहते हो कि क्या यार, आजकल की जो दुनिया में है सबके सब फोन पे डिपेंड है। तो यार मेरे पास फोन हो, अच्छा सा फोन। तो कौन सा फोन अच्छा रहेगा आपके लिए, बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप जो है हमारे चैनल न्यू डे कीजिए को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वो लाल कलर का बटन होता है ना, ये वाला देख रहे हो, इस वाले बटन को जल्दी से दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। और सब्सक्राइब करते ये वाले जो बेल आइकन आपको दिख रही है ऐसे क्लिक करके आप जल्दी से इस पर दबा लीजिए, ताकि आपको मानने वीडियो की जो नोटिफिकेशन होती है, अधिसूचना होती है, वो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वाट लगने वाली है सभी कंपनियों की, ओप्पो वीवो या फिर जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं, सैमसंग हुआ, ओप्पो हुआ, वीवो हुआ, सैमसंग हुआ, ये कंपनियां तो इस तरह से सुन बैठ चुकी है कि क्या मतलब इन कंपनियों के रिएक्शन इस तरह से आ रहे हैं कि जो फोन के बारे में मैं बताने वाला हूँ उस फोन को बैन करवाने के लिए भी इन्होंने केस जो है दायर कर चुके हैं। अब एक्चुअली क्यों कर रही है ये वो बता देते हैं। तो सबसे पहले उस फोन का नाम बता देता हूँ कि वो फोन कौन सा है जो इंडिया का, क्या मैं तो लगभग वर्ल्ड में इसे बेस्ट ही मानता हूँ, लेकिन इंडिया का मान लीजिए आप, इंडिया का द बेस्ट फोन और इतनी चीप प्राइस में, इतनी बेस्ट प्राइस के अंदर इंडिया का सबसे बेस्ट फोन, उससे बेस्ट फोन नहीं आ सकता, और वो भी एक जानी मानी कंपनी जिसे आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं Xiaomi का Redmi 7 Pro के बारे में। Redmi 7 Pro जो है हमारे इंडिया में लॉन्च हो चुका है, जैसा कि मैंने कहा भी था एक वीडियो में जो आपने देखा होगा, तो जिसमें मैंने कहा था Realme का 7 का प्रो जो है चाइना में उस टाइम पर लॉन्च हुआ था मात्र 10,000 रुपए में, लेकिन हमारे इंडिया में भी वो लॉन्च हो चुका है। उसकी रेट क्या है, प्राइस क्या है और क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्यों हमें खरीदना चाहिए, क्यों नहीं खरीदना चाहिए, क्यों इसे मैं बेस्ट फोन बता रहा हूँ, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी अच्छी प्रोसेसर है, क्या है, कितनी बैटरी है, क्या क्या प्रोसेसर वगैरह है, वो सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ Redmi का जो 7 था उसके बारे में बता देता हूँ। Redmi 7 के अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन थी आप सभी जानते होंगे उसके बारे में, 32GB 64GB 4GB रैम रोम वगैरह जो भी था वो सारे के सारे सेम टू सेम जो है Realme 7 के अंदर आपको मिलने वाले हैं। Realme 7 के अंदर आपको सारे के सारे मिलने वाले हैं, लेकिन 7 Pro के अंदर अब आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन बढ़कर मिल रही है वो मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फ्रंट कैमरे की, तो वो है 13 मेगापिक्सल और इतना क्लियर लेंस है इसका कि आप तस्वीरें अपनी जो मुखड़ा तस्वीर थोपड़े की जो फोटो लेते हो ना वो इतनी प्यारी आएगी आप खुद भी शर्मा जाओगे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, 4000mAh बैटरी, बहुत ही खतरनाक बैटरी है 4000mAh, जो काफी अच्छी बैटरी है और काफी जो है इसे हमेशा मानते हैं और काफी लॉन्ग टाइम ये चलती है। दूसरी बात थी तो ये बात कर लेते हैं कि ये कंपनी भी काफी जानी मानी है। तीसरी अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इसका जो रियर कैमरा है, बैक कैमरा है उसके बारे में बात कर लेता हूं, तो 5 मेगापिक्सल का कैमरा जो इसका रियर है, कौन सा वाला, ब्लर कैमरा, मतलब डबल कैमरा 5 मेगापिक्सल का, जो इसका रियर कैमरा है पीछे वाला कैमरा उसकी बात करूं तो वो 48 मेगापिक्सल का है। 48 मेगापिक्सल आज तक किसी फोन ने नहीं दिया होगा, अभी तो जा कहां रहे हैं, सुनिए इसकी प्राइस तो सुनिए क्या जाएगा 48 मेगापिक्सल। बल्कि कंपनी ने इसकी काफी सारी तस्वीरें भी जो अपलोड की, ऐसा नहीं कि आपने नाम के लिए 48 मेगापिक्सल दे दिया। क्लियरिटी की बात करूं तो एक एप्पल फोन के अंदर भी आप जो है इतनी क्लियरिटी नहीं देख पाओगे, उन पिक्चर्स की इतनी ज्यादा क्लियरिटी है और बहुत ही साफ जो है तस्वीर आ रही है। उसकी प्रोसेसर बहुत ही शानदार प्रोसेसर है, उसके अंदर बहुत ही जो है काफी आपको फीचर्स मिलने वाले हैं। अब एक्चुअली कुछ बात कर लेते हैं कि Redmi जो 7 आ रहा था वो आ रहा था कितने का, 10,000 का बता रहा था, लेकिन जो प्रो आया है उसको उसकी जो मार्केट में जो कीमत है, ये दो वर्जन में एक्चुअली जो है लॉन्च हुआ है, एक तो ये 3GB 64GB में हुआ, 3GB 32GB में हुआ है, एक वो है 4GB 64GB में। अब 3GB 64GB वाले में क्या क्या है जो है क्वालिफिकेशन वो बताते हैं, दोनों में क्या अंतर है। एक्चुअली दोनों की जो है 3GB 32 वाले की जो है जो प्राइस है वो मात्र आपको 13,999 रुपए, मात्र 14,000 रुपए ही पड़ने वाली है। और जो नेक्स्ट जो बात करने वाला हूँ उसकी अगर हम बात करें जिसमें 4GB 64GB आपको मिलने वाली है, उसके जो पैसों की हम बात करें तो वो मात्र आपको 16,999 रुपए में, मात्र 17,000 रुपए में आपको पड़ने वाला है। अब यदि बात करो और फोनों की तो आप कंपैरिजन करके देख लिए, बड़ी बड़ी कंपनियां हार चुकी है इसके आगे, कंपैरिजन करके देख लिए, इतना लॉन्ग टाइम कैमरा, इतनी अच्छी प्रोसेसर, इतनी अच्छी बैटरी, सैमसंग का फोन ले लीजिए, मान लीजिए कोई भी सैमसंग जैसे हम ले लिया, बैटरी मात्र कितनी आती है 3000mAh वहां पर ही, मतलब बैटरी का माना सबसे बड़ा लॉस, एक माइनस पॉइंट कह सकते हैं फोन के लिए। ओप्पो का लुक खतरनाक, कैमरा खतरनाक,
बैटरी वहां पर भी जाके डाउन हो जाती है, बैटरी तो हो जाती है। उसी के साथ साथ दोस्तों मैं बता दूं कि इतनी कैमरा इतनी एचडी क्लियरिटी का ओप्पो का भी नहीं देगा आपको, एकदम ये समझ लीजिए आप एक डीएसएलआर से जो है उस फोन को चला रहे, इतनी क्लियर उसकी क्वालिटी है। उसके अंदर आपको प्रोसेसर की बात कर लेते हैं, तो प्रोसेसर की बात करें तो उसकी प्रोसेसर काफी बेहतर है इन सभी फोनों से। इन फोनों ने हालांकि कुछ केस दर्ज किया है, लेकिन इनसे होने वाला कुछ नहीं है कि इनको बैन करने के लिए इस तरह से कर दो, इनको बैन कर देना चाहिए भैया हमारे तो जो है बच्चे रोएंगे, हमें तो बेरोजगार कर दिया इस तरह से। सैमसंग वाले ओप्पो वाले वो कह रहे हैं कि हम क्या करें इस तरह से बहुत सारे। हाँ हालांकि ये कंपनियां भी जो कुछ करेगी अपने फीचर को कम रेट में लाने की कोशिश करेगी, लेकिन पहले जो है रियलमी सेवन आ चुका है, रियलमी सेवन प्रो। तो आपको जल्दी से क्या करना है कि इसको जो है बाय कर लेना है, बहुत ही अच्छा है। यदि आप रेडमी सेवन का लेना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो सेवन प्रो लीजिए, मेरे हिसाब से सजेस्ट करने के हिसाब से रेडमी सेवन प्रो लीजिए, उसकी क्वालिफिकेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और भी आप चाहे तो जो है जाकर देख सकते हैं फ्लिपकार्ट पर, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा, कितने पैसों का कितने रुपयों का है और बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, आप आसानी से जो इसे परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर और सारी जानकारी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपका वीडियो नीचे अपने पहली बार कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। तो दोस्तों मैं शंकर आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।